हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करूंगा मैं आपसे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं गाइस, मैथमेटिक्स SSR AA के लिए 12th स्टैंडर्ड का आता है और किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। तो देखिए गाइस, मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और गाइस, लास्ट टाइम में मैं आपके लिए इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिटेशन और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से संबंधित आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस, आपको बता दूं, जो अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपके पास जैसे हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। गाइस, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपके सामने। जैसा कि आप बोले थे गाइस कि PDF प्रोवाइड कर दिया करो सर, तो गाइस मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ कि आपके लिए मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप का आप लिंक दे दूंगा आपके लिए, जैसे आप जुड़ सकते हैं दोनों में, ठीक है गाइस। तो आपके लिए वहाँ पे PDF प्रोवाइड कर दिया करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है पहला, जिसमें बोल रहा है आपसे इंटीग्रेशन निकालना है आपको x into e की पावर x स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना। तो कैसे करेंगे गाइस, चलिए देखते हैं। आपके सामने दे रखा है ये क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करना होगा हमें, समझिएगा ढंग से समझिएगा। देखिए, जब हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को मान लेंगे हम टी। तो टी मानेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2x, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ dx, और ये आ गया dt। क्लियर, इतना हो गया। अब देखो, यहाँ अगर मैं करता हूँ इसे, तो एक्स और dx के लिए क्या कर सकता हूँ, dt/2, मतलब 2 यहाँ से टाके में, इसे यहाँ ले सकता हूँ, ठीक है ले गए। तो हम क्या कर सकते हैं, e की पावर t, देखो दोबारा से यहाँ क्या हो गया, e की पावर t और ये dt अपॉन में 1/2, जो 2 था 2 कहाँ रख लिया हमने, बाहर निकाल लिया 1/2, ठीक है। अब इसका आराम से कर सकते हैं, इसका क्या होगा, इसका होगा e की पावर t ही, इसका क्या होगा 1/2 e की पावर t प्लस c, ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो जब इंटीग्रेशन हो गया गाइस, तो आप जानते हैं t की वैल्यू क्या थी, t = हमने मान रखा था x स्क्वायर। चलिए आपको सोल्व करके ही दिखाते हैं पेपर पर, तब देखिएगा। तो देखिए गाइस, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा था, इसका आपसे पूछ रहा है कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन था, हमने क्या बोला, माना आपके सामने एक्स स्क्वायर को टी मान लिया। तो गाइस, हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये कंडीशन आ जाती है निकल के, ये कंडीशन निकल के आ जाती है। तो देखिए, एक्स और डी एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ये देखिए एक्स डी एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, 1/2 dt, ठीक है 1/2 dt, और एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया टी। क्लियर, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर एक्स का e की पावर एक्स होता है। तो सेम ऐसे हुआ, आप देख सकते हैं t = क्या माना था, t = माना था एक्स स्क्वायर, तो हमने पुट कर दी वैल्यू, आपका आंसर निकल के आ चुका है। तो गाइस, जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर आपसे पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिएगा। यहाँ गाइस, आपको एक कंडीशन और बता दूँ, यहाँ पे ये स्क्वायर लगाना भूल गए हैं, यहाँ पे ये स्क्वायर होगा। देखिए, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, पता चल जाएगा। देखिए, हम इसे सॉल्व करते हैं तो नहीं लगा रखा गया, स्क्वायर लगाते तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। वैसे हो सकता है इसकी जगह स्क्वायर भी लगा के सॉल्व करके दिखा सकते हैं वो लोग, मतलब इसको स्क्वायर भी हो सकता है यहाँ पर। कभी आप आंसर रटिएगा मत, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनका मतलब जो वीक होती है पावर, मतलब जो आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, थोड़े वीक होते हैं, तो क्या कर देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन हो क्या कर लेते हैं, जब लगता है ना आने लायक क्वेश्चन है तो उसको आंसर याद कर लेते हैं एक तरह से। तो गाइस, ऐसे नहीं होता और ऐसे नहीं हो पाएगा, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, थोड़ा तो एफर्ट अपना डालना ही पड़ेगा। देखिए, यहाँ 2 नहीं है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, इसको सॉल्व करूँगा मैं, इसका आंसर इसी के अकॉर्डिंग दे रखा है, वैसे इसमें 2 होगा तो इसका आंसर अलग होगा। देखिए, हमने क्या किया, 1 1, इसका गुणा इससे करते हैं, कर दिया माइनस, इन दोनों का गुणा आपस में इससे, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखो, फिर अगला लूँगा मैं, ये लिया माइनस का 1, माइनस क्यों लेते, अल्टरनेट लेके चलते हैं गाइस। देखो, पहले वाला प्लस का लिया, दूसरे वाला माइनस का लेंगे, फिर अगले वाला प्लस का लेंगे, फिर अगला और होता है इसमें कर लेते, फिर माइनस कर लेते, फिर प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो मतलब सिंपली बात यह है कि पहले हम प्लस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे नीचे ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब पहले ये लिखते, ये 1 लेंगे ऊपर वाला, फिर उसके बाद ये नीचे वाला 1 लेंगे माइनस का, फिर ये लेंगे प्लस का, फिर ऐसे नीचे वाला लेंगे माइनस का, फिर आगे वाला प्लस का, मतलब ऐसे चलता रहता है। अगर आप ये प्लस का लेंगे पहले वाला, आप यूँ चलते हो तो अल्टरनेट लेके चलेंगे, अल्टरनेट ऐसे भी नीचे लेके आएंगे तो भी अल्टरनेट लेके चलना होता है। क्लियर, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक समझना है पूरा, तो मैं आपके लिए
जो वीडियो जो मैंने समझा रखे है आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आपके लिए दोबारा से मैं आपको पढ़ा दूंगा एक बार, ठीक है। ये आपके सामने हमने सॉल्व किया, कर लिया इसको, फिर अब वो लिया माइनस का, सॉरी अब लिया माइनस का वन, तो माइनस का वन, अब देखो इन दोनों का गुणा इससे, क्लियर, और इसका गुणा इससे, ऐसे किया है। पहले इसका गुणा किया है, इसे बोलते हैं ओमेगा, ओमेगा का गुणा वन से किया तो यह आया ओमेगा माइनस, फिर वन का गुणा किया हमने ओमेगा स्क्वायर से तो ये आया, ऐसे हमने ये प्लस का लिया फिर से। तो वही मैं आपसे बोला था प्लस माइनस ऐसे चलते हैं, अब प्लस का लिया तो देखो इसका गुणा इससे, क्योंकि जो इसको हटा देते हैं जब आप बात करते हैं ना, जब हम बात करते हैं कि इसके नीचे की बात कर रहा हूँ, इस वन के नीचे बात कर रहा हूँ, ये हटा जा, ये हट जाता है, ये कॉलम हट जाता है, और ये पूरी रो हट जाती है। इसके बाद में जो बचे हुए होते हैं उनका आपस में गुणा कर लेते हैं, तो ये हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए आप सॉल्व करेंगे आगे, आगे सॉल्व किया तो देख सकते हैं आप, देखो ओमेगा क्यू, ओमेगा क्यू की वैल्यू होती है गाइस वन होती है, याद रखना हमेशा ओमेगा क्यू की वैल्यू वन होती है। कभी कभी क्या कर देते हैं, मान लीजिए दे दिया जाता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यू, सॉरी ओमेगा की पावर फोर, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो बताऊंगा इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे होती है। अब देखो ये हमने जो प्लस माइनस किया तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। अब मैं आपसे बोल रहा था क्या होती है, क्या बोल रहा था, जैसे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यू, सॉरी ओमेगा की पावर फोर दे रखी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अब कैसे होगी जीरो, देखिएगा, हम जानते हैं ओमेगा यू के वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब देखो इस ओमेगा क्यू को, सॉरी ओमेगा की पावर फोर को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, ठीक है। और आप जानते हैं फिर वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, जीरो। ये कंडीशन आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो वैसे आपको ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, इसे मान लीजिएगा ए पूरा, इसे मान लीजिएगा बी, तो मतलब ये क्या होगा, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, और आपने इसका फॉर्मूला आराम से पढ़ा होगा, बहुत अच्छी तरह से, नहीं पढ़ा हो तो देखो बता देता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस एल ए बी, ये होता है जब, क्या होता है जब आपके सामने कंडीशन दे रखी होती है इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इक्वल, ये दे रखा हो इनवर्स बी, ये रखा बी, जब ऐसे दे रखा होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। प्लस दे रखा होता है यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ माइनस दे रखा होता तो यहाँ भी माइनस होता, मतलब सिंपली बात ये कर रहा हूँ, यहाँ अगर माइनस होता तो यहाँ हम माइनस लेके चलते, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ हमने प्लस ले रखा है। सेम यहाँ देखिए नीचे, अगर यहाँ प्लस ले रखा है ऊपर प्लस आता है तो यहाँ माइनस आता है, और यहाँ माइनस आता है तो यहाँ नीचे प्लस आता है। चलिए करेंगे सॉल्व, देखिए गाइस हमने वही फॉर्मूला लगाया जो कि हम आपके लिए बताया था हमने, ये मान लो ए मान लिया, ये मान लो बी मान लिया हमने, ये फॉर्मूला ये होता है, हमने आपके सामने दिखा दिया, ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू को पुट किया, जब इसमें वैल्यू को पुट किया गाइस देख सकते हैं, ये ए था ये बी था, ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू, इसे आप सिंपली सॉल्व करना जानते हैं, इतना तो आपको आता ही होगा अच्छी तरह से, जब इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेके, यहाँ देखिए इस तरीके से, तो देखिए यहाँ से ये जो नीचे ये कट जाएगा आपस में, ये माइनस का वन है ये प्लस का वन है, ये कट जाएगा आपस में, तो नीचे क्या बनेगा, माइनस का एक्स बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का एक्स बचेगा केवल यहाँ पे, और यहाँ पे ये बचेगा, और ऊपर तो ये दे ही रखा है पूरा, ये बचेंगे हमारे पास। अब देखो इस माइनस की वजह से क्या होगा, माइनस हटा देंगे यहाँ से, कि ये प्लस का बन जाएगा सेवन, ये सेवन प्लस का हो गया आगे चल के, ये माइनस का चिन्ह देखो हमने गुणा कर लिया, इसका गुणा कहाँ से होता है, देखो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ऐसे होता है ना गुणा, तो देखो गुणा किया तो हमने ये कंडीशन आती निकल के, आगे इसे सॉल्व करेंगे इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उसी से सॉल्व किया तो आपका आंसर निकल के आ चुका है। तो कहिए आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा, कैसे होगा, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है, देखिए अब हमें नजर आ रहा है कि यहाँ क्या रखा है, याद रखा है इलेवन, याद रखा टेन, याद रखा नाइन, तो हम क्या करें, ऊपर में इलेवन इंटू टेन गुणा कर लेता हूँ ऊपर की साइड में पहले वाले में, और यहाँ क्या कर दूँ, इलेवन इंटू टेन इंटू फैक्टोरियल नाइन, क्लियर, प्लस ऐसे में क्या करूँगा, यहाँ पे कर दूँगा इलेवन का गुणा करूँगा ऊपर, और नीचे भी इलेवन का करूँगा, इलेवन इंटू टेन की टेन फैक्टोरियल, ये हो गया इक्वल टू यहाँ की तरह का एक्स अपॉन इलेवन फैक्टोरियल। अब देखो जब इसे सॉल्व करूँगा, आप जानते हैं अगर मैं इलेवन को बात करूँ, इलेवन फैक्टोरियल को कैसे तोड़ते हैं, हम इसको तोड़ना चाहेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे, इलेवन इंटू टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू, मतलब कहाँ तक जाएगा, वन तक जाता है, आपको ये तो पता ही होगा अच्छी तरह से, जब ये पता है आपको तो देखिए इसे कंबाइन करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, इसे ऊपर तो हो जाएगा 110 अपॉन, इसे अगर देखूँगा क्या बनता है, ये बन जाएगा गाइस फैक्टोरियल 11, ऐसे प्लस ऐसे ये बन जाएगा, देखिए आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने ये क्वेश्चन था, हमने इस तरीके से गुणा किया, जब इस तरीके से गुणा कर लिया गाइस, आप जानते हैं मैंने आपको पहले भी बताया, ये कंबाइन करा तो क्या बना, फैक्टोरियल 11, ऐसे ये बन कंबाइन किया तो फैक्टोरियल 11, सब सबके नीचे क्या है, फैक्टोरियल 11 11 11 सबके नीचे क्या है, एक जैसा वो क्या है, डिनोमिनेटर है,
एक जैसा क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो देखिए, एक जैसा डिनोमिनेटर है तो हमने इसे सॉल्व किया, जब एलसीएम लिया तो एलसीएम ही आएगा, दोनों को जोड़ा, इसको इसको जोड़ा तो आपस में ये आया, तो फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11 कट गया, तो क्या आया एक्स इक्वल टू 121। तो गाइस उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे कौन सा क्या हुआ, आपका आंसर ये आया ये। तो देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा है, ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसके साथ में, और ई का मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ में, तो देखिए क्या बनेगा, अलग अलग लिखूंगा कैसे। देखिए गाइस, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, इसको कैसे सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई कर लिया हूँ मैं, पहले मैंने इसके साथ रखा, इसके साथ गुणा करके ये रख लिया, फिर मैंने टेन एक्स टेन के साथ किया, टेन इनवर्स एक्स के साथ में ये कर लिया, दोनों को अलग अलग लिख लिया है साहब। पहले वाले को अलग मैंने यहीं की यहीं छोड़ दिया, कुछ नहीं किया इसका, इसका मैं क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ किससे, आईलेट के द्वारा, आईलेट के मैंने ये फर्स्ट माना, इससे सेकंड माना, तो कैसा होता है, फर्स्ट यहाँ कहते हूँ। देखिए गाइस, ये आईलेट वाले क्वेश्चन तो आईलेट से ही होंगे गाइस, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, आप जानते हो जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो टेंथ स्टैंडर्ड तक की ही शॉर्ट ट्रिक होती हैं, ट्वेल्थ क्लास में ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं चलती हैं गाइस, होती हैं, ये नहीं कह रहा नहीं होती, होती हैं, लेकिन वो हर टॉपिक पर नहीं होती हैं। जैसे इंटीग्रेशन की बात करूँ तो इंटीग्रेशन पर होती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, दो तीन मिलेंगी ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। ऐसे डिफ्रेंशिएशन पर बात करूँ, डिफ्रेंशिएशन पर ज़्यादा नहीं मिलती शॉर्ट ट्रिक, तो गाइस शॉर्ट ट्रिक जो आपको मिलती हैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको अच्छी खासी मिल जाएंगी, मैं ट्रिग्नोमेट्री में आपके लिए अच्छी तरह से करा दूंगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का तो कैसे भी नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपको थोड़ी बहुत भी वैल्यू, देखिए मेरे लिए टेबल याद कर लीजिएगा, टेबल और थोड़े बहुत फॉर्मूले, जो नॉर्मल फॉर्मूले होते हैं वही आपको याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आराम से कर लोगे आप, ठीक है। तो इनके लिए तो आपको अच्छी तरह से फॉर्मूले याद होने चाहिए गाइस, नहीं तो आईलेट को याद रखिए, सबसे ज़्यादा आईलेट ही ज़्यादातर यूज करना है। देखो यहाँ आईलेट लगाऊंगा मैं, तो आप जानते हैं आईलेट क्या होता है, फर्स्ट यहाँ कहते होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन dx, इस तरीके से ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए यही लगाया मैंने, फर्स्ट का फर्स्ट यहाँ कहते हैं ये लिखा हुआ, सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन क्या, तो यही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस पर। अब मैंने देखो क्या किया, अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप जानते हो, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, ये होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है टेन इनवर्स का। अब ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर एक्स ही होगा, इन दोनों को गुणा करूंगा तो क्या निकल के आएगा, यही निकल के आएगा जो हमने लिख रखा है, ये कंडीशन आ जाती है। अब देखो आप इस कंडीशन को देखिए और इस कंडीशन को देखिए, दोनों एक जैसी हैं तो आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा आंसर ये, आपका आंसर यही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये सेट से संबंधित क्वेश्चन है, सेट का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसे, उसने इनका इन्हें यूनियन दे रखा है, तो देखिए मतलब एक तरह से दे दिया ये है और इसके नीचे अंदर सर्कल बने हुए हैं, और ये दे रखा है, ये दे रखा है आपका यूनियन टोटल, ये थोड़ा क्या है पूरा टोटल यूनियन है, ठीक है, ये टोटल आपके लिए यूनियन दे रखा है, और आपके लिए इन दोनों का, देखिए आप यहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे, यहाँ कन्फ्यूज कैसे, देखो ये दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, इन दोनों के यूनियन में कितने 700 हैं। अब यहाँ देखेंगे यहाँ दोनों में क्या है यूनियन में 100 हैं, तो आपसे यहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो आपके लिए बता देता हूँ, यहाँ इसका फॉर्मूला होता है, इन दोनों इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू यूनियन माइनस इंटरसेक्शन, सॉरी ये इसका फॉर्मूला आपके द्वारा लिखता हूँ, देखिएगा इसके बराबर होता है, तो क्या होता है इसके बराबर में, देखिएगा क्योंकि ये तो यहाँ लिखा हुआ है, इसके बराबर क्या होता है देख लीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन माइनस ए यूनियन बी, ये होता है फॉर्मूला, लगा दीजिए। अब देखो ये ऊपर वाला दे रखा है ना, ये गलती से लिखा हुआ है यहाँ पे ए ए प्लस बी लिखा हुआ है ना, याद रखिएगा गाइस, मैं जब पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा तो आप ये मत कीजिएगा इसमें गलती है, इसमें ये मिस्टेक है, आपको बता ही दे रहा हूँ, इसलिए ये इसकी जगह क्या होगा यूनियन, ओनली यूनियन होगा, यू यूनियन मतलब टोटल यूनियन, ये दे रखा ए और बी का यूनियन, देखिए यहाँ पर करूँगा 100 सॉरी क्या 700 इसमें लिख रहा हूँ 100, तो क्या आएगा 700 माइनस 100 इक्वल टू 600, तो आपका आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, उससे बोल रखा है एक थैला है आपके पास, जिसमें आपके लिए एक चार रंग क्या बोलते हैं लाल कलर के चार बॉल हैं इसमें, और जिसमें आपके लिए वाइट कलर की कितनी है तीन जो है इसमें सफ़ेद कलर की हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि उसमें तीन बॉल निकालनी है, तो देखो कंडीशन निकालेंगे पहले कितनी है टोटल, तीन और चार सात हो गए, सात में से कितनी बॉल निकालनी है टोटल, तीन निकालनी है, ये तो नीचे आएगा। अब ऊपर बात करते हैं, अब लाल बॉल कितनी है हमारे पास 4, और लाल में से निकालनी कितनी है हमें 2 इंटू, और वाइट बॉल कितनी है 3, निकालनी कितनी वाइट में से 1, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आपका आंसर निकल के आएगा ऊपर वाला, मतलब सॉरी सी वाला, देखो इनको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ एक बार सॉल्यूशन, देखिए
सेम वही फॉर्मूला लिखा है हमने, क्या किया दोनों को सॉल्व कर लिया, पहले इन दोनों को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को सॉल्व कर लिया। आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर का फॉर्मूला होता है गाइस, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, अगला होता है एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये होता है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। देखो हमने सॉल्व किया, देखो इन दोनों को किया सॉल्व इस तरीके से, और हमारे पास आंसर आया 18। ऐसे हमने क्या किया, इसको किया, इस वाले को कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से। बाकी का जब हमने ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद देख सकते हैं 4 से 4 कट गया, 2 से 6 होता है, 6 से 6 कट गया, बचाइए 35 हो गया। तो देखिए हमने फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या है, 18 अपॉन, तो उम्मीद करता हूँ समझ पाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखा है, ये क्वेश्चन आपको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो क्या आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, किसके साथ कर रहा हूँ, पहले 1 का इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में, ठीक है। अब यहाँ करूँगा, अब इसका करूँगा, इस वाले का, इसका मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए इसका पहले इसके साथ में करूँगा, फिर 1 का इसके साथ में करूँगा, तो कर लीजिए। तो पहले 1 का 1 के साथ में इसके साथ करूँगा तो क्या आएगा, 210 थीटा आएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो ऐसे ही आएगा 210 थीटा, ऐसे ही आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये है, ये इक्वल में नहीं है जो आपके सामने दे रखा है ए, ये इक्वल में नहीं है, यहाँ पे दे रखा है देन, ए की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, देन मतलब ए की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकालनी है, आप देख सकते हैं। तो देखिए गाइस ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये दे रखा है आपके सामने, क्लियर, मल्टीप्लाई कर लिया, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में किया, फिर इसका मल्टीप्लाई 10 के साथ में किया, क्लियर। कैसे करते हैं, सॉरी कैसे करते हैं इसका मल्टीप्लाई, यूँ करेंगे मल्टीप्लाई, और कैसे करेंगे यूँ, पहले 1 का इसके साथ में, फिर 10 का इस 10 के साथ में, ये आएगी कंडीशन। अब देखो फिर इसका करूँगा, इसका करूँगा 10 का 1 के साथ में, फिर 1 का 10 के साथ में, ये कंडीशन आ गई, 210 आ जाएगा। ऐसे सिमिलरली फिर करूँगा मैं 1 का इसके साथ में, फिर 10 का इसके साथ में, तो ये आ गया। फिर देखो इस 10 का इस 10 के साथ में, और इस 1 का इस 1 के साथ में, तो ये कंडीशन आएगी। तो देखिए कंपैरिजन करेंगे गाइस, इसने पूछा है ए की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए एक इक्वल क्या दे रखा है, ये आएगा निकल के, एक वैल्यू ये निकल के आएगा, मतलब ये एक इक्वल भी है, ये भी एक इक्वल है, तो ए की वैल्यू 2 आएंगी निकल के। तो उम्मीद करता हूँ गाइस समझ पाएंगे आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, लिमिट पूछ रहा है आपसे, इसके लिए दे रखा है आपसे, पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा। देखो कैसे फाइंड करेंगे इसे, बहुत ही सिंपल है इसे फाइंड करना। देखो हम क्या करेंगे इसमें, आप 0 पुट करके देखता हूँ x की जगह, तो क्या आएगा 0.0 की फॉर्म आएगी, क्या आएगी 0.0 की फॉर्म, जो कि क्या होती है अनडिफाइंड हो जाती है। तो अब क्या करूँगा मैं, डीएल हॉस्पिटल लगाऊंगा, मतलब ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग करूँगा, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग करूँगा, चलो ऊपर वाले का करता हूँ, तो 2 1 का क्या था 0। अब देखो माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन किया तो क्या निकल के, प्लस का साइन थीटा आएगा, क्या आएगा प्लस का साइन एक्स आएगा एक तरह से नीचे अपॉन, अब एक्स का करूँगा एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का करूँगा तो क्या आएगा, ये आएगा डिफरेंशिएशन, 2 से 2 कट गया, ये कंडीशन बचती है हमारे पास, साइन एक्स अपॉन एक्स, क्या होती है साइन एक्स अपॉन एक्स। और जब गाइज आपको बता दूँ ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है, जब लिमिट एक्स टेंड टू 0 है और आपके सामने ये दे रखा है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है क्या होती है 1, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये देखिए बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे लगा सही क्वेश्चन लगा ये, देखो क्या कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा है आपके सामने, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करने के लिए ये दे रखा है आपके सामने, और कितना कन्फ्यूज कर देगा देखिए कैसे, आपसे पूछा है ये दे रखा है, ये दे रखा, आप बोलेंगे एफ दे रखा, जी दे रखा, ना तो गॉफ दे रखा, ना ही ऑफ दे रखा है, कुछ नहीं, ना तो गॉफ है ना ही फॉग है, इसमें कुछ नहीं दे रखा, देखिए है क्या किया क्या है इसमें, देखो इसने सिंपली क्या किया, इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जी डैश डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन एक बार, और डबल डैश मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, तो एक बार डिफरेंशिएशन किया, ये क्या है एक सेकंड जी डैश, तो डैश ने डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या बनेगा 3, एक्स का हो गया डिफरेंशिएशन, ये बच्चा 3 आया इसका आंसर। जब आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो गाइस इस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ तो एक्स है ही नहीं, 3 के साथ में कहीं एक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे, नहीं दे रहा, तो इसका आंसर क्या होगा 3 ही रहना है, चाहे आप 3 1 पुट करो, 2 पुट करो, कुछ भी पुट करो, आपका आंसर क्या आएगा 3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि सेंटर क्या होगा, देखिए कैसे आपने मेन इक्वेशन क्या देखी है, मेन इक्वेशन होती है आपके सामने इस तरीके से, प्लस में 2gx प्लस 2hy प्लस c इक्वल टू 0, ये होती है, आपने पढ़ी होगी अच्छी तरह से। तो देखिए इसे कॉपिशेंट यहाँ से हमें क्या करना है, इसका 1 करना है यहाँ पे कॉपिशेंट इनका, x का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कॉपिशेंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो ये क्या करते हैं हमने 16 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, देखिए कैसे करेंगे फिर,
देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है, ये दे रखा क्वेश्चन, हमने 16 से डिवाइड कर दिया है। जब 16 से डिवाइड कर दिया तो देखिए हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से निकल के आएगी, और इक्वेशन निकल के आएगी तो मेन इक्वेशन क्या होती है, ये होती है। इससे कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो देखिए कंपैरिजन करने के लिए हमने क्या किया, कंपैरिजन कर रहा हूँ तो कंपैरिजन करूँगा, देखो सेंटर क्या होता है इसके लिए, माइनस जी माइनस एच, तो कंपैरिजन किया गाइस, देख सकते हैं यहाँ से जी और एच की वैल्यू निकाल ली है, तो माइनस जी और माइनस एच क्या होता है, इसका सेंटर होता है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आना चाहिए, ये, जबकि आपके साथ ऑप्शन है ही नहीं है। तो गाइस आपका जो ऑप्शन नहीं है गाइस, तो क्या बोलेंगे इनमें से, नन, मतलब कोई नहीं है, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा है, ये क्वेश्चन इस आपसे पूछ रहा है उसका आंसर क्या होगा, देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, देखिएगा। देखिए गाइज मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा तो हो ही जाता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ मैं पूरा, और वो तो मैंने पहले से सॉल्व करके आपको तब दिखा रहा हूँ, पहले सॉल्व करता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ, अगर आपके लिए डायरेक्ट अगर सॉल्व करके दिखाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। और गाइज आप बोलें लाइव आने के लिए, तो लाइव आने के लिए कोई मेरे पास पूरा एस्टिमेट नहीं बना हुआ गाइज, लाइव आ सकूँ मैं आपके सामने, वैसे बहुत ही जल्द कोशिश करूँगा लाइव आने की, बट देखिएगा ये दे रखा है आपके सामने क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करना कैसे करेंगे, ये हमने इस तरीके से मान लिया, इसके साथ में वन मल्टीप्लाई कर लिया, वन ऐसे लिख लिया, जब जहाँ कोई मल्टीप्लाई भी नहीं होता वहाँ वन मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपनी तरफ से ले सकते हो वन, तो वन मान लिया, सेकंड वाले को यूँ कितना रखा हुआ है हमने, ठीक है। अब जब हमने वन मान लिया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये कंडीशन मान रखी है, तो हमने क्या करूँगा, इसे मान लिया फर्स्ट, इसे मान लिया सेकंड, तो फर्स्ट यूँ कहते हो ये रहा वन अपॉन क्या होगा, ये फर्स्ट है, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है इसमें वन, वन का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, एक्स आएगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा जो आपके सामने लिखा हुआ है, देख सकते हैं, क्लियर, ये निकल के आया, तो देखो ये हो गया। अब देखो क्या करते हैं, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन ये लगा दिया और सेकंड का इंटीग्रेशन ये कर दिया, बाकी का ये हमने यहीं छोड़ रखा है। नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट हमने ये तुम्हारे पास है ही ऑलरेडी, इस देखो इसका हमने क्या किया, हम कर रहे हैं इसका डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन कैसे किया, यू अपॉन फी वी वाली फॉर्म से, यू अपॉन वी की फॉर्म वाले फॉर्मूले से किया है, तो देखिए तो क्या होता था, वी का स्क्वायर होता था नीचे, और क्या हो जाता है, वी यू का डिफ्रेंशिएशन माइनस, अब वी यो का उस वो सॉरी यू यो का तो रहता था, यू रहता था, अब फिर वी का डिफ्रेंशिएशन, ये फॉर्मूला होता था, आपने देखा होगा जब करते थे हम इसका, यू अपॉन वी वाली फॉर्म का, क्लियर, ये फॉर्मूला होता था, तो वही फॉर्मूला हमने लगा दिया है गाइस। बाकी का देखिए इस वन का क्या, तो क्या आया, एक्स आया निकल के, वन का तो सिर्फ एक्स आ जाएगा, क्लियर। तो देखिए यहाँ देखिएगा, ये जीरो का मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो हो जाएगा, ये आया निकल के मेन, तो ये एक्स एक्स कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का, ये माइनस दे रखा, माइनस देख सकते हैं, ये आपके सामने माइनस दे रखा, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, जो आपके सामने हो गया प्लस, देखिए यहाँ पे क्या वन अपॉन एक्स, और ये दे रखा एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया, तो इस तरीके से वन आया और नीचे अपॉन में ये आ गया स्क्वायर, क्लियर। तो देख सकते हैं गाइस ये प्लस का है, ये माइनस का, ये आप सब कट जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आया, ये आएगा, तो गाइस बोलेंगे नन, इसका आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं, नन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये क्वेश्चन इसको आपको सॉल्व करके दिखाना कैसे करेंगे सॉल्व, देखिएगा इसको भी, देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन ये दे रखा था, इसको कैसे सॉल्व करना है, इस तरीके से हमने क्या किया, अलग अलग डिवाइड कर लिया, मतलब एक्स का भाग पहले इसमें दिया, फिर एक्स का भाग वाई के साथ दिया, तो ये कंडीशन आती है निकल के, जब ये कंडीशन आती है निकल के गाइस, तो हम देखिए ये बन गया हमारे पास इस तरीके से, इस तरीके से क्वेश्चन बना लिया। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखो डी वाई ओवर डी एक्स, इसे मानते थे प्लस पी एक्स, पी एक्स इक्वल टू क्या बोलेंगे, पी एक्स और इक्वल सॉरी पी वाई होता था, पी वाई इक्वल टू क्यू, इस तरीके से होता था, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। अब देखिएगा, जब ये कंडीशन होती थी तो हम क्या निकालते थे, इंटीग्रल फैक्टर निकालते थे, इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकालते थे, जो पी होता था ना, पी का इंटीग्रल फैक्टर निकालते थे, किसका निकालते थे, पी डी एक्स होता था ई की पावर में, ये होता था इंटीग्रल फैक्टर, तो वही निकालो, इंटीग्रल फैक्टर निकालो, देखो इंटीग्रल पी की वैल्यू क्या दे रखे, पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वन अपॉन एक्स है यहाँ पे, माइनस का वन अपॉन एक्स जो हमने पुट कर दी, इसका इंटीग्रेशन क्या था, ये कंडीशन निकल के आएगी, और आप जानते हैं जब ई की पावर में लॉग होता है तो लॉग और ई हटके क्या बन जाता है, वन होता है, इस तरीके से अगर यहाँ एक्स लिखा हो तो क्या जाएगा, एक्स आएगा इसका, क्या आएगा, एक्स आएगा, तो देख सकते हैं इस तरीके से किया, तो हमारे पास क्या निकल के आया, ये माइनस की वजह से वन अपॉन एक्स हो गया, आंसर क्या निकल के आता था, माइनस का ये दे रखा ना एक्स, और ई की पावर एक्स है ये, तो इस वन ये माइनस को हटाने के लिए क्या करूँगा, माइनस यहाँ से हटाना है मुझे, तो क्या करूँगा, इस माइनस को प्लस बना दिया, और हमने क्या कर दिया, ई की इन्वर्स इस तरीके से कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं लॉग में क्या कंडीशन होती है, अगर लॉग के साथ में कोई भी कंडीशन लिखी हो इस तरीके से एम, तो एम क्या होती है, आगे आ जाती है, अंदर क्या रह जाता है, लॉग एक्स रह जाता है, इस तरीके से अगर मुझे यहाँ से ऊपर पहुँचानी, तो यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर एम हो जाएगा, तो वही कंडीशन हमने यहाँ अप्लाई की है, यह माइनस था, माइनस को हमने ऊपर पहुँचाया, तो यहाँ क्या कर दिया, माइनस इन्वर्स कर दिया, एक्स की पावर माइनस वन,
ठीक है, तो लॉग से ई हट गया तो हमारे पास क्या निकल गया, एक्स की पावर माइनस का वन, और आप माइनस का वन की पावर में, तो क्या बोल सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देख सिंपली अब हम करेंगे क्या होता था, ये वाई इक्वल टू होता है इंटीग्रल फैक्टर जो निकल के आया है इंटू क्यू और डी एक्स, इस तरीके से होता है, बस हमने यही अप्लाई कर दिया। इंटीग्रल फैक्टर क्या निकल के आया था, वन अपॉन एक्स, क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, टू दे रखी है, बस इसे सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा तो हमारे पास आंसर एक तो ये हो सकता है, आंसर दूसरा ये हो सकता है। तो देखिए गाइस फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये आंसर इसका हो सकता है फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है, लेकिन आपको बता दूं यहाँ पर एक्स नहीं होना चाहिए तभी आंसर ये करेक्ट होगा, नहीं तो गलत है, नहीं तो क्या आंसर होगा आपका वैसे, नन। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है क्वेश्चन, इसको हम क्या करेंगे, डी एल हॉस्पिटल से करेंगे। डी एल हॉस्पिटल से मतलब ये है मेरा, देखो अगर इसमें आप डायरेक्टली आप पुट करते हैं लिमिट तो जीरो पॉइंट जीरो की फॉर्म आएगी, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीरो पॉइंट जीरो की फॉर्म आ जाए, ये इस तरह की फॉर्म बन जाए, या फिर इस तरह की फॉर्म बने, तो ज़्यादातर हम क्या करने की कोशिश करते हैं, इसे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, मतलब ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इसके बाद हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए डी एल हॉस्पिटल लगाता हूँ तो क्या बनेगा, ऊपर ये हो जाएगा ई की पावर एक्स और नीचे हो जाएगा वन, लिमिट क्या दे रखिए, लिमिट अब कैसे आया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया तो ये आएगा, नीचे वाले डिफरेंशिएशन किया तो ये आया निकल के। अब लिमिट अप्लाई करूंगा तो ई की पावर जीरो मतलब वन, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर में अगर जीरो आती है तो उसकी वैल्यू वन होती है हमेशा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली वैल्यू जान देते क्या होती है, जीरो की इक्वल होती है, जीरो होती है, इसका आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रखा, डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इसके कटान बिंदु मतलब वाई अक्ष पर कटान काटा गया अंतखंड क्या हुआ। देखिए आपसे बोल रहा वाई अक्ष पर अंतखंड, इस तरीके से वाई अक्ष कौन सा होता है, ये होता है, ये वाई होता है, ये एक्स होता है, तो वाई अक्ष पर काट रही है ये लाइन, तो वाई अक्ष पर मतलब यहाँ काट रही है, तो मतलब वाई की वैल्यू तो कुछ है, वाई की वैल्यू तो कुछ है, लेकिन एक्स क्या होगा इस जगह, जीरो होगा, सिंपली बात है, समझ सकते हैं, जब वाई एक्स पर काट रही है कोई भी चीज़ तो क्या होगा, वहाँ तो एक्स की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन अगर एक्स पर काट रही होती तो वहाँ क्या होता, वाई की वैल्यू जीरो होती, क्लियर। तो हम इसने बोला है वाई एक्स पे काट रहा था, वाई एक्स पे काट रहा था मतलब एक्स की वैल्यू जीरो, तो जहाँ दे रखा है क्वेश्चन इसमें एक्स की जगह जीरो पुट कर देंगे तो जीरो माइनस का फोर वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, तो फोर वाई इधर लेके जाऊंगा इसको ट्वेल्व को, तो क्या हो जाएगा प्लस का ट्वेल्व हो जाएगा, अब इसे काटूंगा तो क्या आएगा थ्री, क्या आएगा थ्री, और ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा माइनस यहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा वाई की वैल्यू क्या जाएगी माइनस का थ्री, मतलब ये कहाँ काट रहा है, नीचे की तरफ काट रहा है, ये लाइन जो कहाँ काटेगी, ये वाई एक्स को नीचे की तरफ काटेगी यहाँ थ्री पर, माइनस के थ्री पर, तो आपका आंसर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा है, ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली जानते हैं फॉर्मूला होता है कैसे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो देखिए अगर टेन को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो वन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या आया इन दोनों की वैल्यू वन की इक्वल आएगी, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट आपको बोल रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा, इसने आपसे बोला है एक पासे को फेंकने से हेड आने की प्रायिकता, ये पासा नहीं होना चाहिए, रुपया होना चाहिए, सिक्का होना चाहिए, क्या होना चाहिए सिक्का, क्योंकि पासे को फेंकने पर तो हेड टेल का कोई सीन ही नहीं होता, सिक्का, एक सिक्के को फेंकने पर हेड आने की प्रायिकता, टोटल कंडीशन, एक सिक्के में कितनी कंडीशन होती हैं, दो कंडीशन होती हैं, और उसे कितनी बार फेंका है, एक बार फेंका है, उसने क्या बोला हेड, तो एक सिक्के में दो कंडीशन होती हैं टोटल, नीचे होती हैं, जितनी कंडीशन बनती हैं वो कहाँ होती हैं, हमेशा नीचे आती हैं डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में क्या आता है कि पॉसिबिलिटी क्या है, तो आप जानते हैं एक सिक्के को जब एक बार उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो आपसे बोला हेड आने की प्रायिकता क्या है, एक ही तो कंडीशन है, तो क्या आएगा वन पॉइंट टू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा है, इसमें भी देखो ये क्वेश्चन देखा लिमिट में, तो आप देखिए क्या करेंगे, इसमें अगर पुट करते हैं लिमिट तो क्या आएगा टू अपॉन, यहाँ भी पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो टू अपॉन जीरो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा टू अपॉन जीरो, या फिर मैं इसमें दूसरी कंडीशन करता हूँ तो क्या बनेगा, ये तो रहेगा ही ऊपर, अगर यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ क्या बचेगा x प्लस टू बचेगा, तो x प्लस टू से x प्लस टू कट गया तो क्या आएगा वन अपॉइंट एक्स, और जब जीरो पुट करूँगा लिमिट तो क्या आएगा वन अपॉइंट जीरो, तो ये क्या आएगा इन्फिनिटी आंसर आएगा, जो कि नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलेगा, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, अगर मैं इसमें डी एल हॉस्पिटल लगाऊँ, ऊपर का इंटीग्रेशन कर, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, वन आया, वन प्लस जीरो आ गया, क्योंकि एक्स का तो वन हो गया और टू का जीरो, अब ऐसे करूँगा नीचे तो क्या आएगा टू एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या था टू एक्स प्लस टू, ये आ गया। अब इसमें लिमिट अप्लाई करता हूँ, तो अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो वन अपॉइंट टू आएगा आंसर, तो गाइज ऐसे भी इसका आंसर वन अपॉइंट टू होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं गाइज, मैं क्या बोलूँगा आपसे, इसमें ऑप्शन में कोई भी आपसे मैच नहीं कर रहा है, वन अपॉइंट टू हो सकता है इसका आंसर, इन्फिनिटी तो है नहीं, तो इन्फिनिटी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट आपके सामने रखा है गाइज, जब भी आपके सामने इस तरह की कंडीशन आती है, जब दोनों इक्वल कंडीशन होती हैं, तो गाइज आपको बता दूँ जो यहाँ पे वैल्यू होती है ना, उन दोनों का सम
एन के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एन के बराबर, तो क्या आएगा 12, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इसमें सर्कल में त्रिज्या कौन सी है, तो देखिए गाइस आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है सर्कल का फॉर्मूला, मतलब जो सर्कल फाइंड करते हैं जब आपके सामने सेंटर दे रखा है, मतलब ये एक्स एक्सिस दे रखा है, ये वाई एक्सिस दे रखा है, मतलब जब आपके सामने सेंटर दे दिया एक्स वन और दूसरा सेंटर क्या है ये वाई वन, मतलब ये आपके लिए सेंटर दे दिया एक्स वन और वाई वन, एक्स वन ये है, ये आपका सेंटर है, तो सेंटर जब आपके सामने दे रखा है, आर आपकी त्रिज्या है, तो फॉर्मूला क्या होता है गाइस, तो ये आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है जब आपके सामने ये क्या दे रखें, ये क्या है दोनों सेंटर हैं, ये क्या है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट दे रखें, तो आपके तो भाई फॉर्मूला आपको समझ में आया, फॉर्मूला होता है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या देखा, ये दे कंडीशन दे रखी, तो मतलब सिंपली बात करूँ मैं, फॉर्मूला क्या था, एक्स एक्स वन की जगह क्या दे रही, हमने जीरो मान लिया, चलो क्या मान लिया जीरो, प्लस वाई वाई वन की जगह क्या है जीरो, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या है जीरो जीरो हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या है जीरो जीरो, और त्रिज्या दे रखी है अंदर सेवन, मतलब सेवन अंडर रूट सेवन का स्क्वायर करूँगा तो ये कंडीशन आ जाएगी। देखिए अब जब इसको मैं ब्रेक करूँगा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सेवन सॉरी इक्वल टू सेवन बनेगा, क्योंकि ये अंडर रूट सेवन है, तो आप जान सकते हैं क्या होती है यहाँ त्रिज्या होती है, तो उसने आपसे त्रिज्या ही तो पूछी थी, त्रिज्या क्या होगी आपके अंडर रूट सेवन, रूट सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या बोल रहा है आपसे, ये कंडीशन दे रखी है, हम क्या करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी निकालूंगा, तो क्या निकलेगा यहाँ से वन अपॉन, देखो लॉग टी का करूंगा तो लॉग टी का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो वन अपॉन टी होता है, सॉरी हाँ वन अपॉन टी हो जाएगा। नेक्स्ट इसका करूंगा मैं ऐसे ही वाई का करता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स, सॉरी डी वाई ओवर डी टी करूंगा तो क्या होगा, आप देखिए साइन टी का क्या होगा कॉस टी हो जाएगा, कॉस टी। तो देखो आपसे पूछ रहा है डी वाई ओवर डी एक्स, मतलब ये डी वाई है, इसमें भाग देना हमें इसका, तो क्या बन जाएगा, भाग दूंगा दोनों का आपस में, देखो इसका भाग दूंगा मैं इसके, मतलब एक सेकेंड देखिए इसमें भाग देना है हमें इसका, तो क्या बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बनेगा, डी वाई ओवर डी एक्स, और हमारे पास निकल के आएगा, देखो वाई की फॉर्म में का हमारे पास क्या निकल के आया था कॉस टी था, और हमने निकाला था डी वाले एक्स वाले का क्या निकला था वन अपॉन टी निकला था, तो टी कहाँ पहुँच जाएगा गुणा में, यहाँ पहुँच जाएगा इसके साथ में, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखा आप आराम से कर सकते हैं, इसका डायरेक्टली आंसर क्या होता है, ये होता है, देखिए बहुत सिंपल प्रैक्टिस सेट है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, तो वाइज हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, आपको हर तरह का क्वेश्चन करना होता है, चाहे वो टफ हो चाहे ईजी हो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ रखा हो, सभी क्वेश्चन आपको करने होते हैं गाइज, ठीक है। तो आज आप इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको समझ में आया होगा, अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा, आपको व्हाट्सएप का भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, और टेलीग्राम का भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइज थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, थैंक यू फ्रेंड्स।